गुजरात में बिहारियों को कथित तौर पर मार के भगाए जाने के लिए चर्चा में आए कांग्रेस एमएलए अल्पेश ठाकोर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक संगठन है उत्तर प्रदेश का जिसने अल्पेश ठाकोर के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है। उस संगठन का नाम है महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड। महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के संगठन है जिसने कहा है कि जो भी अल्पेश ठाकोर का सिर ला करके देगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड नामक संगठन ने ठाकोर का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। इस संबंधी पोस्टर बहराइच के सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगाए गए इन पोस्टरों के बाद पुलिस के सभी थानों को अलर्ट किया गया है। थानों को ऐसे पोस्टर तत्काल हटाकर अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। खुद को ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले भवानी ठाकुर ने बताया कि ठाकोर और उनके साथी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं जो दबे कुचले गरीब मजदूरों से मारपीट करवा रहे हैं। खुद को ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले भवानी ठाकुर ने बताया कि ठाकोर और उनके साथी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं जो दबे कुचले गरीब मजदूरों से मारपीट कर कायरता दिखा रहे हैं। ये लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं और इनके विरोध में सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। भवानी ठाकुर ने कहा कि उन्होंने ठाकोर के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है और जगह जगह इसके पोस्टर लगवाए हैं। जाहिर है कि अल्पेश ठाकोर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि वो मीडिया में आकर के कई बार ये गुहार लगा चुके हैं कि बिहारी जो यहाँ से जा चुके हैं वो लौट करके आए, उनको बिहार से ज़्यादा गुजरात में मोहब्बत मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद अल्पेश ठाकोर को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के इस संगठन ने इस तरह की घोषणा करने के बाद से एक बार फिर से विवाद बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने भी कह दिया है कि अगर अल्पेश ठाकोर पे आरोप सही साबित होते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच जो बीजेपी और उसके अलावा जो तमाम राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दल हैं वो लगातार अल्पेश ठाकोर का विरोध कर रहे हैं। अल्पेश ठाकोर को लेकर के बीजेपी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का ये बयान आया कि अल्पेश ठाकोर जल्द गिरफ्तार होंगे और उन पर जल्द कार्रवाई होगी। इस बीच ये जो पोस्टर चिपकाए गए हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद छिड़ गया है। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें।